यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान जो है बूटलगर ओएस के साथ जो है यहाँ पर चेरिस ओएस के कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर दोनों रोम के साथ जो क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। दोनों रोम का जो बिल्ड है दोस्तों एंड्रॉयड 13 के साथ अवेलेबल है। यहाँ पर हमने रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जो है बूटलगर ओएस 7.0 का जो स्टेबल बिल्ड है इंस्टॉल किया है, जो कि एंड्रॉयड 13 के साथ अवेलेबल है। 5 फरवरी का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। यहाँ पर हमने MI2 डिवाइस के ऊपर से चेरिस ओएस 4.5 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। तो बट दोनों रोम का जो बिल्ड है 5 फरवरी का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ अवेलेबल है। एंड यहाँ पर दोनों रोम का जो बिल्ड है एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के बारे में। तो यहाँ पर बूटलॉगर ओएस एंड यहाँ पर चेरिस ओएस के साथ जो कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल का UI देने को मिलता है। बट चेरिस ओएस के साथ जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें कुछ इस तरह से बूटलॉगर ओएस के साथ जो है सेटिंग्स मेनू का जो UI है देने को मिलता है काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर चेरिस ओएस के साथ जो है सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। अभी फिलहाल हमने चेरिस ओएस के ऊपर जो ऑक्सीजन ओएस 11 का जो सेटिंग्स मेनू का जो UI है एनेबल किया है। यहाँ पर सिंपली ऑक्सीजन ओएस 12 का जो UI है उसे एनेबल करते हैं। सिंपली हमने यहाँ पर जो ऑक्सीजन ओएस 12 को सिलेक्ट किया है, उसके बाद सिस्टम UI रिबूट होने के बाद जो कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के ऊपर UI देने को मिल जाएगा चेरिस ओएस के साथ। तो यहाँ पर चेरिस ओएस के साथ जो है सेटिंग्स मेनू का जो लेआउट है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शन है। अभी फिलहाल हमने चेरिस UI को सेलेक्ट किया है। देखिए बड़ा कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। तो चेरिस सेटिंग्स के ऊपर थीम्स के ऊपर सेटिंग्स लेआउट के ऊपर डिफरेंट यूजर इंटरफेस है उसे आप जो है सिलेक्ट कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो सेटिंग्स का जो बेस लेआउट है सेटिंग्स का होम लेआउट है उसे अवेलेबल कर पाओगे। प्लस यहाँ पर डार्क थीम का ऑप्शन है, UI स्टाइल का ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स पैनल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो डिफरेंट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो फोन को रिबूट करना होगा। डिवाइस को रिबूट करने के बाद क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है UI के ऊपर डिफरेंस देने को मिलता है। यहाँ पर बूटलॉगर ओएस के साथ जो बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, यहाँ पर बैटरी हेल्थ का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, जो सर्च बार क्विक सेटिंग्स नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन एनिमेशन पावर मेनू एंड सिस्टम फीचर्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। सर्च बार के साथ जो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर 4G आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च बार आइकन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो है डेटा यूजर्स का ऑप्शन है, ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है MI2 डिवाइस जो है रिबूट हो गया है। हमने पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। देखिए पा रहे हो यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो अलग अलग क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर UI को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो है मॉडर्न UI का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो विविड कलर का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, आइकन पैक, सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल एंड डार्क थीम के साथ भी कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है चेरिस ओएस के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पर पावर मेनू से रिकवरी बूटलोडर प्लस सिस्टम UI को रिबूट कर सकते हो बूटलोडर ओएस के साथ। यहाँ पर डिसेबल पावर मेनू एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है लॉक स्क्रीन से आप जो है पावर मेनू को ओपन नहीं कर सकते हो। सिस्टम फीचर्स के ऊपर आइकन पैक का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है UI स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर नेविगेशन बार स्टाइल का ऑप्शन है, प्लस स्मार्ट पिक्सल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शन है। यहाँ पर जो है पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है सिंपली फोन को ऑफ करने के बाद वॉल्यूम बटन को डिवाइस को लॉक करने के बाद जो है वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप गानों को स्किप कर सकते हो। पावर मेनू के ऊपर जो एडवांस रिबूट का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर जो है स्क्रीन ऑफ एनिमेशन को ऐड किया गया है। लॉक स्क्रीन के ऊपर लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो, डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, वेकअप एंड प्लग का ऑप्शन है, हाइट सरस वर्क का जो ऑप्शन से काम कर चुके इसे भी ऐड किया गया है, इससे भी ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है पावर मेनू के ऊपर एडवांस रिबूट प्लस पावर मेनू के ऊपर जो ऑपेसिटी उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर रिकवरी बूटलोडर प्लस सिस्टम UI का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एडवांस रिबूट के ऊपर ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर
इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन के ऊपर वाइब्रेटन कनेक्ट, वाइब्रेटन कॉल वेटिंग, वाइब्रेटन डिसकनेक्ट का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर जो एज लाइटिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन के साथ जो है डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, टॉगल टॉर्च व्हेन स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन है, हाइट पावर विंडो स्टाइल का ऑप्शन है, प्लस हाइट सर्विस बार का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन है, प्लस रैपिड एनिमेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन है, एंड लॉक स्क्रीन के साथ जो है ब्लर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे भी ऐड किया गया है। एनिमेशन के ऊपर जो है यहाँ पर पावर मेनू एनिमेशन का जो ऑप्शन से काम कर सके, प्लस यहाँ पर एनिमेशन स्टाइल का जो ऑप्शन से काम करता है, यहाँ पर बटन्स के साथ जो है सिस्टम नेविगेशन के साथ गेस्चर नेविगेशन, टू बटन नेविगेशन, थ्री बटन नेविगेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो, वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम बटन के साथ जो डिवाइस को वेकअप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर थीम्स के साथ जो इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल की अगर बात करें, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन, प्लस जो क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो ओपेसिटी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ से आप जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, पर डेटा यूजर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर वर्टिकल लेआउट का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड एंड लैंडस्केप मोड के ऊपर जो कॉलम को भी कस्टमाइजेशन करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। सर्विस बार की अगर बात करें, डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, बैटरी आइकन स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है बैटरी परसेंटेज प्लस बैटरी परसेंटेज व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन है, इस तरह से अलग अलग जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बट जो है सर्विस बार आइकन का ऑप्शन है, डायनेमिक सिस्टम बार का ऑप्शन है, डेटा डिजिबल आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पर वॉल्टी आइकन प्लस वो वाईफाई का जो आइकन है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, कॉम्बाइंड सिग्नल आइकन, 4G आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पर माइक, कैमरा, लोकेशन, प्राइवेसी इंडिकेटर, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस प्लस ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर सके, इसे भी ऐड किया गया है। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ यूआई देने को मिलेगा चेरी ओएस के साथ, एंड अगर बात करें यहाँ पर बूटलॉगर ओएस के साथ जो है वॉल्यूम पैनल के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलता है। अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, दोनों नाम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन यूआई के साथ जो है फ्लैश लाइट प्लस कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है दोनों नाम के साथ ही काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, वॉलपेपर कलर, बेसिक कलर का ऑप्शन है, पर डार्क मोड, थीम आइकॉन अपग्रेड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट प्लस ऐप लॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, आप सिंपली यहाँ पर ऐप लॉक के साथ जो है फिंगरप्रिंट को यूज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एक्चुअली दोनों नाम के साथ जो है ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है, पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से दोनों नाम के साथ काम कर जाएगा। रिसेंटली हमने गूगल कैमरा 8.8 का जो फास्ट लुक का जो वीडियो है अपलोड किया है, आप सिंपली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर दोनों नाम के साथ जो कैमरा टू एपीआई जो है एनेबल है, काफी बढ़िया बात है, एंड दोनों नाम के साथ जो प्ले स्टोर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह से सेटिंग्स उनके साथ जो है चेंजेस देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, वॉल्टी, ये सभी जो ऑप्शन है दोनों नाम के साथ काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है इंक्रीज रिंग वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, सिम वन एंड सिम टू के अलग अलग रिंग टोन को सेट कर सकते हो, या पर ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट साउंड का ऑप्शन है, प्लस डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ, बूटलॉगर ओएस के साथ। देखिए बारो इस तरह से डॉल्बी एटमॉस भी काम करेगा, प्लस यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के ऊपर कोई भी इशू नहीं है, एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ है अलाउ फेस अनलॉक और लॉक स्क्रीन, स्किप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर डार्क मोड के साथ जो है पिच ब्लैक थीम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जो है गेस्चर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, 100 मोड, क्विक टॉर्च का ऑप्शन है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन है, यहाँ पर अडेप्टिव प्लेबैक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन है, अब डेफिनेटली दोनों को ट्राई करके देख सकते हो, आपके डिवाइस के ऊपर काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर शामी पार्ट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है चेरी ओएस के साथ, यहाँ पर हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एंड यहाँ पर गेस्चर्स के ऊपर जो है स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, डबल टैप का ऑप्शन है, प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है
इस तरह से पार ऐप विलियम कंट्रोल का ऑप्शन है, नेटवर्क वाइब्रेशन पैटर्न, रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन है, अडेप्टिव साउंड, लाइव कैप्शन, स्मार्ट पॉज का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, नोटिफिकेशन के ऊपर एनहांस नोटिफिकेशन, ब्रिंग लाइट का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस इस तरह से बच्चे यूआई देने को मिलता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जो है बुटलेगर ओएस एंड चेरी ओएस का जो बिल्ड है ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। दोनों रॉम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके रेबनोट 7 एंड MI2 डिवाइस के लिए बूटलॉगर ओएस एंड यहाँ पर चेरी ओएस को डाउनलोड कर सकते हो। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके जीकेएम 8.8 का जो फास्ट लुक का जो वीडियो उसे भी आप ट्राई करके देखो, एंड रेबनोट 7 एंड MI2 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके इस दोनों रॉम का जो इंस्टॉलेशन वीडियो उसे आप चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।